फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में क्या है नकबा? क्यों एक बार फिर नकबे से परेशान हुआ फिलिस्तीन? नकबे को क्यों नहीं मानता इजराइल? नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब से इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से न जाने आपने कितने इतिहास के पन्नों को खंगाला होगा, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए शायद ही उसे आपने पहले सुना हो। क्योंकि फिलिस्तीन हमेशा से ही इसराइल पर अपनी जमीन छीनने का आरोप लगाता रहा है, और एक बार फिर यही आरोप फिलिस्तीन इसराइल पर लगा रहा है। क्योंकि इस वक्त इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पे रहने वाले फिलिस्तीनियों से कह दिया है कि वो गाजा के उत्तरी हिस्से को छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाए, जिसके बाद फिलिस्तीनियों ने वहां से जाने की शुरुआत भी कर दी है, जिसे फिलिस्तीन नकबा बता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नकबा क्या है, तो इसके लिए हम आपको 1948 के समय में भी लिए चलते हैं, जब इजराइल देश का गठन हुआ था, यानी 14 मई 1948। और ठीक इजराइल देश बनने के बाद 15 मई की तारीख को फिलिस्तीन नकबा बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस तारीख को आखिर ऐसा क्या हुआ और नकबा शब्द आखिर है क्या। तो सबसे पहले नकबा किसे कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। नकबा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ तबाही होता है। इसे फिलिस्तीनी तबाही के रूप में जाना जाता है। जब 1948 में इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था, तब लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा। कहा जाता है फिलिस्तीनियों को जबरन घर से निकाल दिया गया था, जिसे नकबा यानी तबाही कहा गया। इसी वजह से 15 मई फिलिस्तीनियों के लिए दुख भरा होता है। दरअसल फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि ये वो दिन था जब उनसे उनका देश और जमीन छीनकर उन्हें बेघर कर दिया गया था। अब गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई को फिलिस्तीन दूसरा नकबा यानी तबाही बता रहा है और कह रहा है कि एक बार फिर फिलिस्तीन नकबा का शिकार हो रहा है। ऐसा फिलिस्तीन क्यों कह रहा है उसे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा और इतिहास को जानना होगा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब इजराइल की स्थापना हुई ही नहीं थी और वेस्टलैंड से लेकर गाजा पट्टी तक का इलाका फिलिस्तीन का माना जाता था। यहाँ पर यहूदी और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग तेजी से उठने लगी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोगों के लिए देश को स्थापित करने की बात कह डाली। जिसके बाद 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन नाम का एक समझौता हुआ। समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन के इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। इस डिक्लेरेशन के बाद अलग अलग देशों से और यहूदी फिलिस्तीन के आसपास के इलाकों में आने लगे थे, जिन इलाकों में यरूशलम भी शामिल था, क्योंकि ये शहर इस्लाम, यहूदी, ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। दरअसल पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल के करीब ये शहर बसता है। और जब दुनिया भर के यहूदी यहाँ आकर बसने लगे, तो फिलिस्तीन में आंदोलन की शुरुआत हो गई। लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने कुचल डाला, जिसके बाद फिलिस्तीन ने अंग्रेजों और यहूदियों दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और 1945 का वक्त आया जब विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में चला गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलम को संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखने का फैसला किया और एक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें फिलिस्तीन, इसराइल और यरूशलम को दिखाया गया था। लेकिन इसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। उनका आरोप था कि यहूदियों को ज्यादा जमीन दे दी गई, जिसको लेकर फिलिस्तीन और यहूदी आपस में फिर भिड़ गए, और यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों और इलाकों पर कब्जा कर लिया था। जब 14 मई 1948 को इजराइल बना, तो उन इलाकों से फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और तब से लेकर आज तक
14 मई को इजराइल जश्न मनाता रहा है और 15 मई को फिलिस्तीन दुख मनाता है, जिसे वो नकबा यानी तबाही के रूप में देखता है। और हर साल 15 मई को फिलिस्तीन नकबा के रूप में मनाता है, जिसे हम आपको बता रहे हैं। और अब जब युद्ध एक बार फिर चल रहा है और गाजा से लोग जा रहे हैं, तो उसे नकबा एक बार फिर कह रहा है फिलिस्तीन। तो अब आप समझ गए होंगे कि नकबे की आखिर कहानी क्या है, लेकिन क्या इसराइल इसे मानता है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। ऐसा क्यों है वो भी हम आपको समझा देते हैं। इसराइल फिलिस्तीन के नकबे की कहानी को नहीं मानता। इसराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी लोग इसराइल की वजह से वहां से नहीं गए। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले के डर से फिलिस्तीनी लोग वहां से भागे थे। इन देशों की सेना यहूदी सेना को जीतने से रोकना चाहती थी, लेकिन यहूदी सेना ने जंग में जीत हासिल की। जंग के बाद जो लोग घर छोड़कर गए वो वापस नहीं लौटे, इसलिए उन मकानों को जब्त करना पड़ा। खैर, फिलिस्तीन और इसराइल दोनों अपनी कहानी बयां करते हैं, लेकिन इस समय में जब एक बार फिर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है और गाजा छोड़कर फिलिस्तीन के लोग जा रहे हैं, तो वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसे लगातार फिलिस्तीन दिखा रहा है, जिसे फिलिस्तीन दूसरा नकबा बता रहा है। खैर, फिलिस्तीन और इसराइल के हर बार अपने अपने दावे रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो इसराइल और फिलिस्तीन बखूबी जानते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।